गाइज, वेलकम और वेलकम बैक टू द चैनल रिएक्ट एक्शन। हाउ आर यू ऑल? आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। सो इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू रिएक्ट टू कौन? बाय चैन के एंड रेज। और आपने बहुत ही ज्यादा कमेंट्स किए थे चैन के लिए कि इनके सॉन्ग पे रिएक्ट करो, तो हियर वी आर। एंड हमने अभी तक नहीं सुना है चैन के को, और बस मुझे इतना पता है कि चैन के और यंगस्टर्स के बीच में बीफ है। सो हम चैन के और रेज पे पहली बार रिएक्शन करने वाले हैं, तो होप करते हैं कि अच्छा गाना होने वाला है। तो बिना किसी देरी के रिएक्शन को शुरू करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड, हियर वी गो। ओके चैन के, मैदान में जब उतरा तो देखा खिलाड़ी बहुत, पर यहाँ कमी कुछ काम के। अंदाज फरक, अल्फाज भी कड़क भड़ा सा बहुत भरी है, एक झलक दिखाने हूँ आया मैं। जब आया तो सीन किया ऑन, पूरी मज में कुछ झटका था दिया और उठ पड़ा हर कोई पूछने ये बंदा है कौन। जब आता है सामने क्यों हटती है सबकी, ये बंदा है कौन। ना चाहता है उंगलियों पर बिना हाथ तक खोले, ये बंदा है कौन। के जमाने से अकेले में लड़ने का रखता है जिगरा, आवाज की बुलंद आप जब भी है देखा कोई जुल्म सितम भी जा। और ये कलम मेरे दोनों गरम जैसे जलती चिलम, यहाँ बन रही फिल्म। नाम फ्यूचर देखी तो गौर से कि ना हो कंफ्यूजन, मैं रैप करूँ रैप में तो लगे कंफ्यूजन के जहन से निकली कोई बात। ना डेल रहा फ्लो गिरे बीट भी है जैसे नायग्रा, हवार बहुत हार्ड जैसे खाई हो वायग्रा। चल सड़ ये गेम दल दल बदलते, यहाँ रूप नहीं लगता पल भर। जो आज होते कल नहीं आते, नजर जो साथ होते आज वो जाते बिखर। पर हम नहीं हैं ऐसे रैपर, वी आर में फोन दे के बोले हैं बच्ची बैठी मेरे लैप पर। ये जैसे वॉर जोन और ये सारे मेरे मैप पर, मैं लेके फिरूं स्नाइपर और तू राइफल लेके कैंप कर। थोड़ा कमजोर डिजाइन पर जानता मैं, सुन के मुझे चौंकते सैम का काटते कम, जो सिर्फ भौंकते आगे मेरे पेश तो बोले नहीं हमारे खड़े होते रोंगटे। मेरी बात ही कुछ ऐसी है जिस जोन में भी हूं करूं, इन्हें लैम मेरे बेंच पे साथ आया चैन की हैरानी में पूछे ये बंदा है कौन। जब आता है सामने क्यों हटती है सबकी, ये बंदा है कौन। ना चाहता है उंगलियों पर बिना हाथ तक खोले, ये बंदा है कौन। जब आता है सामने क्यों हटती है सबकी, ये बंदा है कौन। ना चाहता है उंगलियों पर बिना हाथ तक खोले, ये बंदा है कौन। क्योंकि वो फटे पुरानी, मैं तंगल का तंग लड़का, डटे वक्तों से भी जंग लड़ता लड़के, फिर सबसे मैं कर देता बंद कमरा। बीबी रवैया मेरा वही जो बचपन का गुस्सा दबा, मेरी मशहूरी के सरदर का पैदल हवा लेने मैं नहीं निकल सकता। मारे आवाज़ें कोई ना कोई बाहर बंदा, चैन जबरदस्त तेरा काम, तू लग रहा है नाम। मशहूरी का अपना ही मजा, पर नाम के लिए दिन हराम नहीं कर रहा। मैं सामने रख दूं दिल का जर्रा जर्रा, मैं रख दूं समाज के सामने आईना। मैं सवाल ही पूछे गाने में राइम्स का, मैं ढूंढ नहीं पा रहा पर 69 का मैं, ये पॉपर हिप हॉप की लाइन का है। डिवाइन और बादशाह काले बीबर के साथ जर्सी बिलाल ने भी पीछे नंगी मॉडल रख दी। आवाम को दिखाओ सच तो इनकी हटती, तो पाग ने भी किया सब ये वजह रख दी। पेशाबा भी हयात समझ के पी ली, जवाब दे फिर कामयाबी जीत ली। नया में मेरे सामने मुकेश तीली, जो बाजू छुपाए पहन के शर्ट एवी लेता नहीं पंगा। मैं सिंह के मशहूर है तो लूने क्या बदला मैं, मेरा भी पोंगल करना तो बनता है। मशहूरी ने दोनों का मुंह बंद, अब रखना मशहूरी यकीन करो फांसी का फंदा है। व्यूज का भूल गए सब इज्जत करना, ये एल्बम में बिजी समझ रहे ठंडा, मैं याद करवाना होगा सबको के बंदा मैं। जब आता है सामने क्यों हटती है सबकी, ये बंदा है कौन। ना चाहता है उंगलियों पर बिना हाथ तक खोले, ये बंदा है कौन। जब आता है सामने क्यों हटती है सबकी, ये बंदा है कौन। ना चाहता है उंगलियों पर बिना हाथ तक खोले, ये बंदा है कौन। So that's the song. The song and तुमने देखा एक बात क्या कि इन्होंने बीच में यंगस्टर्स के लिए बोला है काफी कुछ। हाँ obviously, क्योंकि मैंने पहले बोला था कि मुझे उतना ही पता है कि आई थिंक यंगस्टर्स के लिए था subliminally, हाँ indirect sort। इनका चलता रहता है यार एल्बम, इनका चलता रहता है। हाँ इनका चलता रहता है, करना पड़ेगा अगर आप चाहते हो कि इनके वो हम बीफ पे रिएक्ट करें पूरा। इनका है ना कुछ आई गेस, मेरे को देखना पड़ेगा। अगर है तो आप कमेंट्स में बता सकते हो आप, और उस पर हम रिएक्ट करें। ऑर्डर में बता देना गाने अगर है तो कमेंट्स में, ताकि हमें देखने में आसानी रहे। तो फिलहाल बात करते हैं गाने के बारे में। रेज का जैसे कि मैंने देखा, मेरे को बहुत यूनिक फ्लो लगा। मैंने बहुत सारे रैपर सुन रखे हैं, हमने कितने ही सारे रैपर सुन रखे हैं, लेकिन जो इनका जो फ्लो लगा मुझे मेल्डिक और जो हार्डकोर हिप हॉप रहता है उसका मिक्सचर लगा नहीं, और यूनिक स्टाइल ऑफ राइमिंग
वो लगी मुझे इनके रैप स्टाइल में। और एक वर्ड ये काफी यूज करते हैं, देखा मशहूरी वर्ड, मशहूरी वर्ड को काफी यूज करते हैं, फेमस फेम। और एक वर्ड इन्होंने बीच में यूज किया था जर्रा जर्रा, और ये काफी उर्दू के जो वर्ड्स आते हैं ना काफी अच्छे लगते हैं। उर्दू रैप सॉन्ग, हाँ उर्दू रैप सॉन्ग, हाँ उर्दू रैप सॉन्ग है वही तो, और काफी अच्छे लगते हैं उर्दू वर्ड सुनने में। पहले भी बोला है कि उर्दू जो लैंग्वेज है वो इतनी प्योर है, और उसको जिस तरह से रैप में पोर्ट्रे करते हैं उसकी वजह से गाना और भी अच्छा लगने लग जाते हैं। जैसे रेज के बाद, रेज अगर मैं सही प्रोनाउंस कर रहा हूँ तो, यानी इनके बाद जैसे चैनके का वर्स आता है तो चैनके की आवाज में और फ्लो में मेरे को मैच्योरिटी फील होती है कि चैनके बहुत पुराना रैपर है, और मेरे को लगता है कि इनके आवाज ही पता लग जाता है कि इनके पास वो स्किल है, डेवलप हो गई है बहुत टाइम से। क्योंकि अगर आप एक रैप सीन में नए आर्टिस्ट हो तो आपका पता लग जाता है कि आप थोड़े अमेच्योर हो, भी बीट पे आपको उतना खेलना नहीं आता है। और लेकिन चैनके के आवाज साथ वैसा केस नहीं है, चैनके के पास थोड़ी मेरे को लगा मैच्योरिटी दिखती है, और वॉइस के वॉइस कंट्रोल जो है और यूनिकनेस तो ऑब्वियसली इनके वॉइस में पहले से ही है। बट रेस का फ्लो भी मेरे को काफी अच्छा लगा था स्टार्टिंग में, उन्होंने काफी अच्छे रेस की बात मेरे को ये सही लगी कि इनकी जो लाइन का जो इम्पैक्ट था वो एक इमोशन के साथ बोल रहे थे जो कि बहुत अच्छा लग रहा था। कोरस भी काफी कैची था, कैची था। हाँ, कुछ हटके हमने सुना ये, और जैसे यंगस्टर्स को हमने सुना है पहले से पाकिस्तान के जो रैपर्स हैं उनमें, और ये उनसे काफी मेरे को हटके लगा, तो काफी अच्छा लगा सुनने में। और मेरे को काफी टैलेंटेड आर्टिस्ट लगे ये भी, और अगर इनका बीफ है तो देखने में बहुत ज्यादा मजा आएगा। तो अगर आप चाहते हो तो कमेंट्स कर सकते हो। और ये काफी अच्छा सॉन्ग था ओवरऑल, और हमें काफी अच्छा लगा। तो अगर आपको ये रिएक्शन अच्छा लगा तो कमेंट्स में आप बता सकते हो, और नेक्स्ट हम किस पे रिएक्ट करें वो भी आप कमेंट्स में बता सकते हो। और हम मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ स्टे हेल्दी, बाय।